Hi kids, how are you all? You all are fine? Welcome back to your SST class, and today we are again back with our book, that is Jelly Bean Journeys for class 3 by Brainroot Publication. So children, today we shall start chapter number 5 of this book. Aaj hum lesson 5 padhenge jiska title hai Water on Earth. Bachcho, हमने अर्थ के बारे में पढ़ा है, अर्थ सरफेस के बारे में पढ़ा है, और हमने ये भी पढ़ा है कि अर्थ लैंड और वाटर के कॉम्बिनेशन से बना है, राइट? तो आज हम ये जो वाटर अवेलेबल है अर्थ पर, इसके बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, जहाँ जहाँ से हमें पानी मिलता है, water cycle or water management. Okay, but before we move towards the chapter, let's do this exercise. Here you have to write any 6 uses of water. Water ko hum kis kis purpose se use karte hain. Aap sabhi acche se jante hain ki hum roz kisi na kisi kaam ke liye water use karte hain. Jaise we use water for drinking, we use water for washing clothes, we use water for washing our utensils, then we use water to water the plants in the garden, for our food crops and what not. Water is a basic essential, right? तो आपको ऐसी ही 6 activities यहाँ पे लिखनी है जो जो use हम water का करते हैं, ठीक है? तो आप ये खुद करेंगे. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन हिंट, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि कैसे लिखना है, अब आप खुद करेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द चैप्टर. द वाटर ऑन अर्थ इज प्रेजेंट इन 3 नेचुरल फॉर्म्स. हमारी अर्थ पर जो वाटर है वो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट है. क्या क्या है फॉर्म्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, वाटर इज प्रेजेंट इन एयर इन फॉर्म ऑफ गैस. एयर में जो वाटर मॉइस्चर या वाटर वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है उसको हम गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर बोलते हैं. और वाटर वेपर इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ऐसी जगहों में बर्फ जम जाता है. पानी जो है वो जम कर बर्फ बन जाता है, या तो स्नो या आइस के फॉर्म में ऐसी जगहों पर आपको पानी मिलेगा. Water can be seen in solid form of snow or ice. The water we drink is in the liquid form. और हमारे घर में आम तौर पे जो पानी हम पीते हैं वो liquid form में है, right? Now see, this is the earth. This is the picture showing our earth. And can you see this green part? This green part is basically the कॉन्टिनेंट. ऑल राइट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्टिनेंट और लैंड. और जो ये पूरा ब्लू कलर है ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है. तो आप पिक्चर को देख के ही पता कर सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, यानी हमारा जो अर्थ है, वो कम्प्लीटली ज़्यादातर उसका पोर्शन जो है पानी से घिरा हुआ है, राइट? और पानी से घिरे होने की वजह से ही हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. Interpretation: our earth is known as a blue planet because 3/4 of earth's surface is covered with water. हमने ये पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया था कि क्योंकि अर्थ का ज़्यादातर हिस्सा वाटर से कवर्ड है, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. ऑलराइट, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. हर एक वस्तु की कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट फीचर या प्रॉपर्टी होती है. तो आइए चलिए हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं. सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर आर गिवन बिलो. वाटर इज़ कलरलेस. वाटर का अपना कोई कलर नहीं होता है. अगर हम उसमें कुछ मिक्स करते हैं तभी वो कलर चेंज करता है, अदरवाइज वाटर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कलरलेस होता है. वाटर इज़ टेस्टलेस. वाटर का अपना कोई स्वाद नहीं होता. हम उसमें जब अपनी तरफ से चीज़ें मिलाते हैं तब वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वाटर में चीनी मिला दें
तो फिर वो कैसा लगेगा, वो मीठा लगेगा। ऐसे ही अगर वाटर में सॉल्ट मिला दिया जाए तो वो सॉल्टी लगेगा, और अगर नींबू निचोड़ दिया जाए तो वो खट्टा लगेगा, राइट। तो वाटर का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, इट इज़ कम्प्लीटली टेस्टलेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर इज ओडरलेस एंड शेपलेस। वाटर का ना तो अपना कोई खुशबू या स्मेल होता है और ना ही इसका अपना कोई डेफिनेट शेप होता है। वाटर को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, राइट। सोर्सेस ऑफ वाटर, अब हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। हमें अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से वाटर मिलता है, और ये सभी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ओके। नेचर हमें कई तरह से वाटर देती है, आइए जानते हैं। रेन वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, यानी धरती यानी पृथ्वी पर पानी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, वो स्रोत है बारिश का पानी, यानी बारिश, रेन वाटर, ओके। सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स इनटू ग्राउंड एंड गेट्स कलेक्टेड बिटवीन रॉक्स अंडर द ग्राउंड। अब ये पानी जब बरसता है तो धीरे धीरे ये मिट्टी में समा जाता है और फिर धीरे धीरे मिट्टी में अंडरग्राउंड वाटर टेबल में कलेक्ट होने लगता है। दिस वाटर इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। पीपल यूज हैंड पंप्स एंड ट्यूब वेल्स टू टेक आउट दिस अंडरग्राउंड वाटर। आपने हैंडपम्प देखा है ना, हैंडपम्प को दबाने से पानी जो है बाहर आता है। तो वो पानी एक्चुअली कहाँ से आता है, वो ज़मीन के नीचे का जो पानी है जो बहुत डीप है उसमें से धीरे धीरे निकलता है। रेन वाटर फिल्स पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स, रिवर, सीज एंड ओशन। और रेन वाटर्स की वजह से ही बाकी जो वाटर के फॉर्म्स हैं जैसे कि नदी, नाले, तालाब, महासागर, समुद्र, ये सब भर जाते हैं। डैम्स एंड कैनाल्स आर बिल्ट टू यूज़ द वाटर ऑफ रिवर्स। स्नो ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन मेल्ट्स टू चेंज इनटू वाटर एंड फ्लोज डाउन एज स्ट्रीम्स। स्मॉल स्ट्रीम्स जॉइन टू फॉर्म अ बिग रिवर। ये जो छोटे छोटे स्ट्रीम या झरने होते हैं ये आगे चल के आपस में मिलकर बड़े बड़े नदियाँ या महासागर बनाते हैं, ओके। वाटर साइकिल, अब बहुत ज़रूरी है कि हम ये सीखें कि वाटर किस तरीके से एनवायरनमेंट में यानी वातावरण में मूव कर रहा है। वाटर का जो फॉर्मेशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑलराइट। तो आइए समझते हैं कि वाटर साइकिल क्या है। द सन हीट्स द वाटर प्रेजेंट इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज। जब सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो सूरज की गर्मी की वजह से जितना भी ये समुंदर का, नदियों का पानी है ये धीरे धीरे भाप बन के यानी वाटर वेपर बन के ऊपर उठने लगता है, ठीक है। वाटर वेपर्स गोज अप इनटू द स्काई एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। ये जो वाटर वेपर हैं ये धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं ये ठंडे होते जाते हैं और क्लाउड बना देते हैं यानी बादल बना देते हैं। When these clouds cool down, it rains. जब ये क्लाउड बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं और काफ़ी भारी हो जाते हैं, जब इसमें और पानी नहीं समा सकता तब ये बरस पड़ते हैं वापस से बारिश के फॉर्म में। The water returns to the water bodies on the ground. And this continuous process is known as water cycle. आप देखो ये साइकिल जो है नेचर में चलता ही रहता है। कैसे चलता रहता है, पहले पानी यहाँ से भाप बन के ऊपर गया, राइट। फिर बादल बन गए, बादल जब बहुत ठंडे हो गए और अब उसमें और पानी नहीं आ रहा है तब क्या होगा, तब ये धीरे धीरे नीचे रेन के फॉर्म में आ रहे हैं। बारिश की वजह से ये पानी पेड़ पौधों में, नदियों में, समुंदर में और ग्राउंड वाटर में चला जाता है, फिर वापस से इन्हीं नदियों में से, पेड़ों में से वापस वाटर वेपर बनके ये उड़ता रहता है, ठीक है। तो ये जो साइकिल है ये कम्प्लीटली हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा नेचर में कंटिन्यूसली चलता रहता है। सो दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर, ये जो प्रोसेस है, ये जो वाटर का मूवमेंट है नेचर में, इसी को हम
वॉटर साइकिल बोलते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स गो थ्रू द एआई फैक्ट. वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट एप्लीकेशंस ऑफ एआई इज अ यूटिलिटीज डेली प्रोसेसेस अ फॉल्ट डिटेक्शन. दिस वुड बी एन एआई सिस्टम दैट यूजेस मशीन लर्निंग टू डिटेक्ट फॉल्ट्स इन वाटर सिस्टम बिफोर इट कॉजेस अ प्रॉब्लम फॉर द कस्टमर. यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है बच्चों. अब हम पता कर सकते हैं कि कौन सा वाटर अच्छा है और कौन से वाटर में केमिकल्स मिले हुए हैं, ताकि हम अशुद्ध पानी पी के बीमार ना पड़े. नाउ लेट्स कम टू वाटर मैनेजमेंट. देखो बेटा, पानी जो है बहुत सारा है अर्थ पर, लेकिन अगर पानी को ठीक से यूज़ नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें पानी नहीं मिलेगा, लोग पानी के लिए भी तरस जाएंगे. इसीलिए हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है हमें उसे अच्छे तरीके से जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. और इसके लिए वाटर का सही इस्तेमाल करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, वाटर को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, यही हमें वाटर मैनेजमेंट सिखाता है. There is a lot of water present on earth, but only a small portion of it can be used. Some of it is frozen on mountain peaks, while much of it is salty. हमने अर्थ का पिक्चर देखा, पानी तो बहुत सारा है अर्थ पर, लेकिन वो सारा पानी हम यूज़ नहीं कर सकते. कुछ पानी तो आइस और स्नो के फॉर्म में है, जिसको हम चाहकर भी पी नहीं सकते या खा नहीं सकते, राइट? और कुछ पानी जो है वो या तो वाटर वेपर के फॉर्म में है या फिर वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी है. जितना भी ओशन वाटर होता है वो सॉल्टी वाटर होता है, एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. सॉल्टी वाटर बिल्कुल भी सही नहीं है सेहत के लिए. इसीलिए हमारे पास जो पीने का पानी है या यूज़ करने का पानी है वो बहुत कम है. ओके, Therefore, it becomes important to save water and use it wisely. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पानी को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें और देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बचत हो सके, उसको हम किसी भी समय पर वेस्ट नहीं करें. ओके, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. यानी जब बारिश होती है तो पानी को, बारिश के पानी को कलेक्ट करके उसको बाकी टाइम पर किसी और काम के लिए यूज़ करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. वी कैन कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर फॉर लेटर यूज़. द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ओके, रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन टैंक्स एंड वेल्स. कुओं में और टैंक्स में हम बारिश के पानी को कलेक्ट करके रख सकते हैं. यूजिंग वाटर वाइजली, इसके अलावा भी जब हम पानी का इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सोच समझ के पानी का इस्तेमाल करना है. क्या क्या किस तरीके से करेंगे आइए जानते हैं. देर आर मेनी वेज टू सेव वाटर, वी मस्ट फॉलो द गिवन इंस्ट्रक्शन. We must not let water overflow from the bucket while bathing. जब हम नहा रहे होते हैं तो यूजुअली हमारी आदत है, हम भूल जाते हैं, नल खोल देते हैं और पानी जो है वो ओवरफ्लो करता है, वो पानी तो वेस्ट हो रहा है. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम नहाएं या जब हम ब्रश कर रहे हों, तब हम जितना ज़रूरी है उतना ही पानी इस्तेमाल करें. जब यूज़ में ना हो तब टैप को क्लोज कर दें, यानी नल को बंद कर दें. वी मस्ट नॉट लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग अवर टीथ. जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार हम लोग मुंह धोते वक्त या ब्रश करते वक्त नल को खुला ही छोड़ देते, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें जब ज़रूरत पड़े तभी नल को खोलना चाहिए, बाकी टाइम नल को बंद ही रखना चाहिए. वी मस्ट गेट द लीकी पाइप्स मेंडेड. अगर हमारे घर में कोई ऐसा पाइप है जिसमें छेद हो गया है या लीकेज है जिसमें से वाटर गिर रहा है, तो हमें इमीजिएटली उस पाइप को ठीक करवा लेना चाहिए ताकि पानी बर्बाद ना हो. वी मस्ट यूज़ बकेट्स इन प्लेस ऑफ शावर्स टू वॉश. कई लोगों के घर में शावर्स होते हैं और शावर्स जो है काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी पानी वेस्ट कर देते हैं, इसीलिए हमें चाहिए कि हम शावर्स की जगह बकेट्स का यूज़ करें नहाने के लिए. नाउ वी हैव कम
across some important terms in this chapter, आइए उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ग्राउंड वाटर, द वाटर फाउंड अंडरग्राउंड इन क्रैक स्पेसेस ऑफ सॉइल सैंड एटसेट्रा आर नोन एज ग्राउंड वाटर. Water cycle, the continuous cycle involving the change of water into water vapor, then from water vapor to again water is called water cycle. Rain water harvesting का मतलब है the process of collecting and storing rain water for later use. यानी बाद में हम बारिश के पानी को उपयोग कर सके इसीलिए उसको collect करके रखने के process को हम rain water harvesting कहते हैं. Okay? Now let's look over what all important things we covered in this chapter. We came to know that 3/4 of the earth's surface is covered with water. Rainwater is the main source of fresh water on the earth. Groundwater can be taken out through hand pumps and tube wells. The process of collecting and storing rainwater is called rainwater harvesting. So, bachcho, मैं यही आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया है. कितना अच्छे से आया है ये जानने के लिए नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेस. सो आर यू रेडी? ओके, कम अलोंग, लेट्स डू द एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज The dash heats the water present in the river, lakes, ponds and seas. Fire, moon, star, sun. Right answer is sun. Okay. Now third, second. Water is tasteless, both A and B. B colorless, D none of these. So water is both A and B. It is tasteless also and it is colorless also. All right. Third, the water on earth is present in dash natural forms 5, 2, 3 and 6. So, three natural forms. Ice, that is solid, liquid and gas. Ice is solid, water is liquid like the water we use in our house and in vapor form it is in the form of gas. Okay. Sixth, in very cold places water is present in form of snow, water vapor, gas or liquid. So, इन द फॉर्म ऑफ स्नो, जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ स्नो और आइस के फॉर्म में पानी मिलता है हम. लास्ट, डैश ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर 1/3, 1/6, 3/4 और नन ऑफ दीज. सो 1/3 होगा, 1/6 होगा, 3/4 होगा या नन ऑफ दीज. ज़्यादातर हिस्सा अर्थ का वाटर से कवर्ड है ना, सो 3/4 यानी अर्थ को अगर हम चार भागों में बांटेंगे तो तीन हिस्से जो हैं वो वाटर से ही कवर्ड मिलेंगे. ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, सो लेट्स डू देम. आइए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. डैश इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, रेन. ओके, बारिश के पानी से ही हमें फ्रेश वाटर मिलता है. ओके, People use dash and dash to take out groundwater. People use hand pumps and tube wells. Hand pumps and tube wells. Third, the process of collecting and storing rainwater is called rainwater harvesting. Okay. Fourth one, dash and dash are built to use water of rivers, dams and canals. Fifth, dash fills the areas on ground such as rivers and lakes. Rainwater. Sixth, when water is frozen, it is in the solid state. All right, it is in the solid states. Now, let's do exercise number C, that is match the following. Water cycle,
वाटर साइकिल कॉजेज रेन, वाटर साइकिल से हमें बारिश मिलती है. वाटर वेपर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस. ओके, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस. थर्ड वन, रेन वाटर. रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कलेक्टिंग वाटर, रेन वाटर. वाटर ऑन अर्थ, वाटर ऑन अर्थ इज थ्री क्वार्टर्स, राइट. Water on earth is three quarters. So children, I hope that you have done all the exercises, right? आपने सारा नोट कर लिया होगा. So now we have these question and answers. Now these questions are to be done on your own. आप इन्हें खुद करेंगे. For example, the first question says, what are the three forms of water? So the three forms of water are solid, liquid and gaseous, that is ice, water and water vapors. Okay, aise hi, what are the properties of water? It is colorless, it is tasteless, it does not have a shape. All right, so these all are the properties. Aapko khud likhna hai. Ground water kya hai? What is ground water? Ground water is the water available under the ground. Okay, that gets collected under the ground. Then we have to explain water cycle. आपको वो diagram draw करना है और water cycle को explain करना है. And what is rainwater harvesting? Collecting and storing rainwater for future use is known as rainwater harvesting. Write any three ways to save water. Close the taps while brushing. We should use buckets for bathing. We should not use any kind of leaked or damaged pipes, right? तो इस तरह से आप चैप्टर में से आंसर्स ढूंढेंगे और ये आंसर्स आप खुद करेंगे. ओके, सो दिस इज टू बी डन बाय यू ऑन योर ओन. सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू टुडेज चैप्टर. आई होप चिल्ड्रेन, नाउ यू हैव अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर. आपको पता चल गया होगा कि वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है और वाटर को सेव करना भी कितना ज़रूरी है. तो अच्छा लगा, मज़ा आया चैप्टर समझने में. I hope you enjoyed the session as much as I did. So, we are going to meet again very soon with a new chapter of this book where we will learn something more interesting. So, stay tuned for the next video. Till then, bye-bye and take care.